लॉकडाउन च बड़ा नुकसान होया, रोटी खाने को नहीं मिली, कर्जे दे हत्थे लगे, कारोबार कोई चलदा नहीं पिया। जो लॉकडाउन लगा वा बड़ी मुसीबत हो रही है, घर का छत भी डिगा वा, जाके नकवारी कर सकते वेच सकते जे। उन्होंने अभी बताया कि लॉकडाउन में बहुत ही इनका नुकसान हुआ है, बहुत ही मंदी से ये गुजरे हैं और 80 साल इनकी उम्र हो चुकी है जी। तो आप कभी भी अमृतसर आएँ तो इनके पास जो इनके छोले कुलचे और चावल बना कर देते हैं एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बोलते हैं कि कस्टमर नहीं आता, अभी लॉकडाउन के बाद बहुत ही इनको प्रॉब्लम पड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, ये हॉल गेट को रोड जाता है जी, और ये है जी अशोक कुमार जी, जो पिछले 10 साल से छोले कुलचे बनाकर बेच रहे हैं जी साइकिल पर, और इनकी 80 साल उम्र हो चुकी है तो अभी भी ये काम कर रहे हैं छोले कुलचे का। ये साइकिल है, साइकिल पर बना के छोले कुलचे बेचते हैं जी। ये है जी इनके, ये चावल है इनके, ये है जी इनके चावल और ये चने हैं जी, ये देखो ये चने हैं। और बैरीगेट बाग में ये साइकिल पर यहाँ आते हैं, और अमृतसर में तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, बहुत ही प्रॉब्लम है इनको। तो आप प्लीज़ इनके पास आएँ और इनके जो छोले कुलचे हैं ना वो एक बार जू ट्राई कीजिएगा। आपको सेल कितनी हो जाती है एक दिन में? 350 रुपया होती है। 350 रुपया? हाँ जी। तो पहले क्या काम करते थे? पहले भी यही काम करते थे, बीमार हो गई बच्चे छड़ना पै गया। बीमार हो गए थे? हाँ बीमार हो गए, छड़ना पै गया। जे इनके चने हैं जी बहुत ही टेस्टी, लाजवाब लग रहे हैं दिखने में, और साथ में ये मूली देते हैं जी और खट्टी मिट्टी चटनी देते हैं। तो ये साइकिल पर ही बनाकर जे बेचते हैं जी, और आप इनकी अगर मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनकी ज़रूर मदद कीजिए। ये देखिए जी 80 साल इनकी उम्र हो चुकी है जी, साइकिल पर जो छोले कुलचे बेच रहे हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं जी? बच्चे दो दो क्या दो बच्चे हैं। वो क्या करते? काम से जाते हैं, नौकरी करते हैं, अपने प्राइवेट कारखाने जाते काम करने वास्ते। हाँ जी। तो आप जो अपना खुद का ही काम करते हैं उनसे पैसे लेते हैं, तो आपको पैसे देते हैं? 500 रुपया महीना देते हैं एक जना। आपको 500 रुपया एक महीने का देते हैं? हाँ एक लड़का के पास। अलग ही रहते हैं? नहीं बीच में ही रहते हैं। कुलचा छोले चोल छोले कुलचे रे, दो कुलचे 20 रुपये। और ये देखें जी 10 रुपये की देते हैं, एक कुलचा है और चने हैं और मूली है और हरी मिर्ची डाल के देते हैं। तो आप कभी भी आएँ तो अशोक कुमार जी के पास ज़रूर आना, ये बहुत ही बढ़िया बनाते हैं जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे फूड लवर पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू जी।